नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं सिंगल लोगों के बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बेकार भगाए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोगों के पास में डायरेक्ट मिलती रहती है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि गाना वैसे गाने चल जाते हैं अठजाम में या किसी भी जगह, लेकिन गाना गाने से पहले क्या करना चाहिए कि आधा गिलास या एक गिलास छोटा गिलास में चीनी का शरबत जरूर पी करके कोई भी गाना गाना चाहिए या आठ जाम में जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि गला जो है वो अच्छा रहता है। या कहीं यात्रा पर जाना है तो आपको कहीं पर भी जाएं थोड़ा सा चीनी जाकर जरूर खा लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि मुंह नहीं सूखता है और इसमें सब जो है वो बीमारी की काट रहती है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, लकवे फालिस होने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन ज़्यादा चीनी भी खाना सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि शुगर की बीमारी होने की संभावना बना रहता है। जब भी सीजन आए करेले का, तो करेला का सब्जी खूब खाना चाहिए। जो लोग करेला का सब्जी नहीं खाते हैं उन्हीं लोगों को दाद खाद खुजली एक्जिमा की बीमारी होती है, और जितना भी पैसा हम लोग कमाते हैं वो बीमारी में खर्च हो जाता है। तो दोस्तों पैसा अगर आप लोग को बचाना है तो करेला का जब भी सीजन आए, तो पेट खराब होने के चलते बहुत लोग कम खाते हैं लेकिन खाना चाहिए। जो लोग नहीं खाते हैं उन्हीं लोगों को तरह तरह की बीमारी होती है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और माता दुर्गा जी से हर दम रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के घर में खुशियां जो है हमेशा मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जहां भी रहे वहां बने रहें, मस्त रहें।